Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the structure of smooth muscles. स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में. इस वाले वीडियो में हम स्मूथ मसल स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे. स्मूथ मसल्स जो हैं, दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स. दो सब ग्रुप्स में स्मूथ मसल्स को डिवाइड किया गया है. देयर आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ द स्मूथ मसल्स. जिन सब ग्रुप्स में इस स्मूथ मसल्स को डिवाइड किया है, वन इज द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल. दिस इज द फर्स्ट वन, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल. द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल इज आल्सो कॉल्ड यूनिटरी. दिस इज कॉल्ड द यूनिटरी मसल्स. दीज मसल्स जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, उन मसल्स को यूनिटरी मसल्स भी बोलते हैं. एंड द सेकंड सब ग्रुप ऑफ द स्मूथ मसल, जिसमें स्मूथ मसल्स को सब डिवाइड किया गया है, दैट इज द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल. मीन्स देयर आर द टू सब ग्रुप्स, जिन दो सब ग्रुप्स में स्मूथ मसल्स को सब डिवाइड किया गया है. वन इज द सिंगल यूनिट स्मूथ मसल. सिंगल यूनिट स्मूथ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिटरी स्मूथ मसल. एंड द सेकंड वन, सेकंड सब ग्रुप, दैट इज द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल. जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स जो है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल इज विसरल मसल्स. ये विसरल मसल्स हैं. जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, दीज आर द विसरल मसल्स हैं. जो भी विसरल मसल्स हैं, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने यही बोला था कि स्मूथ मसल्स दे आर लोकेटेड, दे आर द वॉल्स ऑफ द विसरल ऑर्गन्स, और दे आर made up of smooth muscle cells. Means smooth muscle cells are present here in the walls of the visceral organs, in the walls of the soft organs. और उन्हीं में से जो visceral organs हैं, वो visceral organs जो हैं, visceral organs single unit smooth muscles हैं. Visceral organs में से, visceral organs में smooth muscles present हैं, लेकिन कौन से वाले smooth muscle present हैं? Single unit smooth muscle, यानी कि unitary smooth muscles प्रेजेंट है विसरल मसल्स में, विसरल ऑर्गनिज्म, विसरल मसल्स में से. और वो जो विसरल मसल्स हैं, जिनमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं, हुज फाइबर्स, जिनके फाइबर्स, जिनके मसल सेल्स कंट्रैक्ट टुगेदर होते हैं स्लोली एंड रेगुलरली, वो स्लोली एंड रेगुलरली कंट्रैक्ट होते हैं. जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, वो विसरल मसल्स हैं. उन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स के जो फाइबर्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, वो कंट्रैक्ट टुगेदर होते तो हैं, लेकिन स्लोली एंड रेगुलरली कंट्रैक्ट होते हैं. मीन्स के रिदमिक यूनिट में वो क्या होते हैं, वो कंट्रैक्ट एंड क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं रिदमिक यूनिट में, और उनमें रिदमिसिटी है. वो रेगुलरली एंड स्लोली कंट्रैक्ट होते हैं इन ए रिदमिक यूनिट. और क्या होते हैं, दे आर कपलड. ये जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, ये सिंगल, ये विसरल मसल्स हैं, इनके फाइबर्स जो है, ये कंट्रैक्ट टुगेदर तो होते हैं, लेकिन एक रिदमिक यूनिट में कंट्रैक्ट होते हैं, उनमें रिदमिसिटी है. और दे आर कपलड, दे आर लिंक्ड टुगेदर. ये एक दूसरे के साथ लिंक है बाय मीन्स ऑफ द गैप जंक्शन. एक गैप जंक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक है. जो स्केल्टल मसल है, स्केल्टल मसल का अटैचमेंट स्केल्टल स्केल्टन के साथ है बाय मीन्स ऑफ द कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द टेंडन. तो इन द सेम वे यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स को सब डिवाइड किया गया है, सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल. सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स विसरल मसल्स हैं, जिनके जो विसरल मसल्स हैं, जिनके फाइबर्स कंटेक्ट टुगेदर होते हैं स्लोली रेगुलरली और इन रिदमिक यूनिट में, और ये एक दूसरे के साथ कपल है, ये एक दूसरे के साथ लिंकड है बाय मीन्स ऑफ द गैप जंक्शन. एक गैप जंक्शन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक है. तो इनमें जिन जो स्केल्टन मसल्स हैं,
स्केलेटल मसल्स में एक हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, लेकिन सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स में जो है ये द हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट इन स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं है। देखो क्या है यहाँ पे, ये गैप जंक्शन, ये स्मूथ मसल्स है, दीज आर द स्मूथ मसल्स, दीज, ये स्मूथ मसल्स है राइट। और इसमें जो ये एक दूसरे के साथ कपल है, एक दूसरे के साथ लिंकर है, ये दिस अटैचमेंट, दिस लिंक, दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड द गैप जंक्शन, इसी को गैप जंक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ द स्मूथ मसल देयर इज नो हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मींस कि न्यूरो हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डू नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ द स्मूथ मसल। दिस हाईली स्ट्रक्चर्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ओनली एग्जिस्ट इन इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल राइट। तो कंपैरेटिवली व्हेन इट कम्स टू द सेकंड सब ग्रुप, सेकंड सब ग्रुप दैट वी कॉल द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, तो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर फाइंडिंग इन लाइनिंग द एयरवेज टू लंग्स। जो लाइनिंग है एयरवेज के, जो लाइनिंग है उन लाइनिंग में से, वो लाइनिंग जो एयरवेज है जो लंग्स की ओर चले जाती, जो लाइनिंग जो है ना, जो एयरवेज की लाइनिंग है, जो लंग, जो लाइनिंग लंग्स की ओर चले जाती है, टू द लंग्स होता है जो लाइनिंग, उन्हीं लाइनिंग में, उन्हीं लाइनिंग पे जो है स्मूथ मसल, मल्टी स्मूथ मसल सेल्स है, वहां पे भी स्मूथ मसल्स है। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, दैट इज द विसरल ऑर्गन, उस विसरल ऑर्गन में जो क्या है लंग्स हैं, वो रेस्पिरेटरी पैसेज वे के जो मेजर ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकियल्स हैं, ट्रेचिया है, तो ये ऑल दीज आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो लंग्स की ओर जो लाइनिंग जाती है, एयरवेज की लाइनिंग चली जाती है, तो उनमें स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट है। लेकिन कौन से सब ग्रुप स्मूथ मसल्स हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, वो प्रेजेंट वहां पे है। और इतना ही नहीं है, बल्कि जो वॉल्स ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल्स, यानी कि लार्ज आर्टरीज, जो आर्टरीज है, मीन्स कि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड के पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने कहा कि वेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में भी स्मूथ मसल सेल्स जो है प्रेजेंट है, मींस कि ब्लड वेसल्स एंड द लिम्फेटिक वेसल्स जो है उनमें क्या है, उनकी वॉल्स जो है स्मूथ मसल सेल के बने हुए होते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा है। तो यहाँ पे उसी चीज को हम टच करेंगे, जो वॉल्स हैं लार्ज ब्लड वेसल्स हैं या लार्ज आर्टरीज हैं, उनके वॉल्स जो है, उनके वॉल्स में स्मूथ मसल्स पाए जाते तो है, लेकिन कौन से वाले स्मूथ मसल, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। और इतना ही नहीं, बल्कि उसमें भी कहा कि जो कंटीजेंटमेंट्री सिस्टम जो है, कंटाजेंटमेंट्री सिस्टम जो है, उसमें क्या होता है, जो जिसमें इपीडर्मस हैं, डर्मस हैं, हाइपोडर्मस हैं, जो एसोसिएट है हेयर के साथ, ग्लैंड्स के साथ, नेल्स के साथ, जो हेयर है, इरेक्टर प्ले मसल ऑफ हेयर जो है, तो इरेक्टर प्ले मसल ऑफ हेयर फॉलिकल्स में भी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स के उसमें ये वाले सब ग्रुप के मसल्स होते हैं। और जो आई है सेंसरी, मैंने कहा उस प्रीवियस लेक्चर में भी ये भी कहा है कि आई पे जो इरस एंड क्लैरी एंड इरस मसल्स ऑफ द आई जो है, तो वहां पे मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और इसमें क्या था, इसमें ये जो एक दूसरे के साथ कपल है राइट, ये सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, एक दूसरे के साथ लिंक थे बाय मींस ऑफ द गैप जंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देयर इज द नो गैप जंक्शन इन केस ऑफ द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, जो इरेक्टर प्ले ऑफ हेयर फॉलिकल्स में पाए जाते हैं, क्लैरी एंड इरस ऑफ द इरस मसल्स ऑफ द आईज, वॉल्स ऑफ लार्ज आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, लाइनिंग ऑफ एयरवेज टू लंग्स जो है, जिनमें क्या होता है मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ लिंक तो है लेकिन इनमें गैप जंक्शन नहीं है। लाइकवाइज द सिंगल यूनिट स्मूथ यूनिटरी स्मूथ मसल सेल्स में जो गैप जंक्शन था, लेकिन इनमें वो वाला गैप जंक्शन नहीं है। ये तो एक दूसरे के साथ लिंक है, एक तो ये इंडिपेंडेंटली दे वर्क इंडिपेंडेंटली, ये एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये डिपेंडेंटली काम नहीं करते हैं। तो ये वाला जो है ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक है बाय मीन्स ऑफ द क्लोजन फाइबर। क्लोजन फाइबर एक फ्लूड है, उसी क्लोजन के थ्रू ये एक दूसरे के साथ लिंक है। स्मूथ मसल्स जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल है, ये गैप जंक्शन के थ्रू है, लेकिन ये क्लोजन के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक है। और उसके बाद
जो स्मूथ मसल्स हैं दे आर फाउंड इन टू लेयर्स, ये दो लेयर्स में हम आई एम ट्राइंग टू मेक यू पीपल क्लियर कि दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल, तो इन केस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल तो मैं इस चीज को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो ये पहले हमने पढ़ा है कि सब ग्रुप स्मूथ मसल्स को दो सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उसके बाद मैंने बोला है कौन कौन सा सब ग्रुप है और कौन से मसल्स कहाँ पे हैं, स्मूथ मसल्स सिंगल यूनिट मसल सेल्स कहाँ हैं और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स कहाँ हैं। और इसी इन लाइकवाइज हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन टू लेयर्स, स्मूथ मसल्स जो है ये दो लेयर्स हैं, इसके इसके दो लेयर्स हैं। फर्स्ट इज द इंटरनल लेयर, फर्स्ट इज द इंटरनल लेयर एंड सेकंड वन इज द आउटर लेयर, ये दो लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स के, राइट। जो इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर बीइंग थिन एंड राउंड, इंटरनल लेयर जो है ये वाली थिन, इसकी शेप जो है थिन एंड राउंड, राइट। और व्हेन इट कम्स टू द आउटर लेयर, तो व्हाट इज द व्हाट लुक्स आउटर लेयर, व्हाट इट लुक्स व्हाइल आउटर वन जो है इट इट इज थिन एंड लॉन्ग, ये लॉन्ग है, ये भी थिन है लेकिन लॉन्ग है, वो भी थिन है लेकिन वो राउंड है, ये लॉन्ग है, राइट। तो उसके बाद जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स की शेप जो है ये स्पैंडल शेप है, अलोंगेटेड शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन हैविंग सेंट्रली हैविंग लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसमें सेंट्रली सेंटर में एक न्यूक्लियस लोकेट है स्मूथ मसल सेल में जो है, इसमें स्मूथ मसल सेल्स में सेंट्रली एक लोकेटेड न्यूक्लियस है। जो स्केलेटल मसल्स में थे उसमें मेनी न्यूक्लाई था, मल्टी न्यूक्लाई न्यूक्लाई थे वहां पे, तो यहाँ पे वो भी उवल उवल क्या किसमें पैराफिरली जो लोकेटेड है, वो उसकी शेप जो उस न्यूक्लाई की शेप पैराफिरली जो वहां पे लोकेट है, लेकिन ये सेंट्रली लोकेट है, लेकिन एक सिंगल लार्ज न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है इस स्मूथ मसल मसल्स में, स्मूथ मसल सेल्स में एक ही न्यूक्लियस है, इसमें लार्ज न्यूक्लियस, इसमें लार्ज न्यूक्लियस एक ही होता है, मीन्स के एक ही जो सेंट्रली लोकेट होता है। उसके बाद जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स लुक वाइट, ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये वाइट दिखते हैं हमें, व्हाई इट लुक्स वाइट, व्हाई द क्वेश्चन इज हियर, व्हाई द स्मूथ मसल लुक्स वाइट, व्हाइट लुक्स वाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर क्यों दिखने लगता है, ये इसका व्हाइट कलर क्यों है, बिकॉज स्मूथ मसल जो है, स्मूथ मसल्स हैव कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क, स्मूथ मसल्स की एक कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है, ये स्मूथ मसल है, इसकी एक कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है, जो कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क जो है दैट कैरीज ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स एंड नर्वस को कैरी करता है, दिस फ्रेमवर्क कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क स्मूथ मसल लुक्स वाइट इन कलर, व्हाई स्मूथ मसल लुक्स वाइट इन कलर, बिकॉज स्मूथ मसल मसल्स हैव कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क, दैट कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, दैट कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क कैरीज ब्लड वेसल्स एंड द नर्वस, that is why means on account of the absence of the blood cells, jo on account of absence of blood vessels this smooth muscle it looks white in color, that is why we can say that smooth muscles looks white in color. ab iske baad kya hai, jo smooth muscles hai, smooth muscles have no sarcoplasm sarcomere, sorry smooth muscles has no sarcomere, सर्कोमियर जो है स्मूथ मसल्स में सर्कोमियर होता ही नहीं है, जो सर्कोमियर जो है स्केलेटल मसल्स में सर्कोमियर होता है लेकिन स्मूथ मसल्स में सर्कोमियर नहीं होता है, और सर्कोमियर को मायोमियर मायोमियर और मायोमीरियम भी बोलते हैं, सर्कोमियर को दिस इज द एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि सर्कोमियर इज ऑल्सो कॉल्ड मायोमियर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मायोमीरियम, राइट। तो यही सर्कोमियर जो है स्मूथ मसल्स में नहीं होता है। ये सर्कोमियर होता है क्या है, एक्चुअली इट इज द बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट जो होता है स्केलेटल मसल्स में, ये बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट होता है इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल, लेकिन इट इज एब्सेंट, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द स्केलेटल मसल्स, तो वी कैन से दैट द स्केलेटल स्मूथ मसल्स, सॉरी ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ सर्कोमियर इन केस ऑफ द स्मूथ मसल वी कैन से दैट स्मूथ मसल हैज नो सर्कोमियर, हैज नो मायोमियर, हैज नो मायोमीरियम। जो सर्कोमियर है इट इज द बेसिक कंट्रक्टाइल यूनिट इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल विच कंटेन्स टू फ्लैम कंट्रक्टाइल फ्लैमेंट्स,
जिस सारकोमियर में स्केलेटल मसल्स में दो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है एक्टिन को थिन फिलामेंट कहते हैं और दूसरा होता है मायोसिन, इसको थिक एक्टिन को थिक फिलामेंट कहते हैं और मायोसिन को थिन फिलामेंट कहते हैं। दीज आर द टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स जो सरकोमियर में होते हैं इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल, नॉट इन केस ऑफ द स्मूथ मसल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू पीपल दैट द स्मूथ इन स्मूथ मसल देयर इज नो सरकोमियर, देयर इज नो मायोमीरियम, देयर इज नो मायोमियर। तो ये दो फ्लैमेंट्स जो होते हैं ये उसमें सरकोमियर में होते हैं, और ये सरकोमियर इनके साथ स्केलेटल मसल में ये जो सरकोमियर जो होता है ये रिपीटेडली एंड रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, रिपीटेड एंड रेगुलर मैनर में ये दो कंट्रैक्टाइल फ्लैमेंट्स जो है एक्टिन एंड मायोसिन, थिक एंड थिन फिलामेंट्स जो है ये अरेंज होते हैं स्केलेटल मसल्स में, ये अरेंज होते हैं रिपीटेडली एंड रेगुलरली, ये रेगुलर एंड रिपीटेड मैनर में होते हैं बिटवीन टू जेड लाइन्स के दरमियान ये अरेंज होते हैं फॉर द कंट्रैक्शन। देखो उसमें क्या होता है, ये स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें सरकोमियर होता है, ये दो वर्टिकली अरेंज्ड जो है इनको जेड लाइन्स बोलते हैं इन दो को, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ये सेल का एक मेम्ब्रेन है ये वाला, तो इसके बीच में ये वाला ये वाले ये दो जो ये कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं ये इस जेड लाइन्स के बीच में जो टू फिलामेंट्स हैं जेड लाइन्स इन बिटवीन द टू जेड लाइन्स वर्टिकली अरेंज्ड जेड लाइन्स जो है जिसमें ये सरकोमियर प्रेजेंट होता है जो एक्टिन एंड फिलामेंट मायोसिन एक्टिन एंड मायोसिन टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं इनके साथ स्केलेटल मसल, लेकिन स्मूथ मसल्स में ये जो है सरकोमियर नहीं होता है। अब क्वेश्चन है कि मीन्स कि उसका इट मीन्स कि इसमें थिन एंड थिक फिलामेंट फिर तो नहीं होता है, लेकिन ये नहीं है, इट इज द मिसकंसेप्शन ऑफ द दोज पीपल ऑफ दोज गाइज जो ये सोचेंगे कि फिर दैट मीन्स कि यहाँ पे एक्टिन एंड मायोसिन स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट तो फिर नहीं होता है, लेकिन इट डजेंट मीन दैट, आई मीन टू से इसमें सरकोमियर नहीं होता है स्मूथ मसल्स में, लेकिन स्केलेटल मसल्स में होता है स्मूथ मसल बिटवीन द टू जेड वर्टिकल जेड लाइन्स में ये रेगुलर एंड रिपीटेड मैनर में ये अरेंज है फॉर द कंट्रैक्शन, फॉर इनिशिएटिंग द कंट्रैक्शन प्रोसेस, लेकिन स्मूथ इनके शब्द स्मूथ मसल देयर इज नो मायोमीरियम, देयर इज नो मायोमियर, देयर इज नो सरकोमियर। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट होता है स्मूथ मसल इनके शब्द स्मूथ मसल, हियर आवर मेजर फोकस इज द स्मूथ मसल, लेकिन स्मूथ मसल्स में जो एक्टिन एंड मायोसिन टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स का जो ये दो प्रोटीन है, ये दो प्रोटीन कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ये फिलामेंट्स जो है एक्टिन एंड मायोसिन का, लेकिन स्मूथ मसल्स में इनका अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर बेसिस एंड रिपीटेड मैनर में नहीं होता है। ऑल्दो जो स्मूथ मसल्स हैं स्मूथ मसल्स में भी एक्टिन एंड मायोसिन टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स तो होते हैं, इट इज नो डाउट द फैक्ट इज दैट ये स्मूथ मसल्स हैव ऑल्सो टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, दैट कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स दे आर द प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन, दे हैव स्मूथ मसल्स हैव दीज टू प्रोटीन्स दीज टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, ऑल्दो दे हैव इन अ लार्ज अमाउंट इन अ लार्ज क्वान्टिटी विद इन लार्ज क्वान्टिटी एंड इन लार्ज अमाउंट में ये एक्टिन एंड मायोसिन दे टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं ये प्रोटीन्स जो है ये स्मूथ मसल्स में ज्यादा होते हैं इन एज कम्पेयर टू द स्केलेटल मसल से ज्यादा होते हैं ये, लेकिन फर्क इतना है उसमें सरकोमियर है उसमें स्केलेटल मसल में मायोमीरियम है और मायोमियर है सरकोमियर है, लेकिन इसमें स्मूथ मसल्स में मायोमीरियम नहीं है मायोमियर नहीं है सरकोमियर नहीं है, लेकिन एक्टिन टू कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स एक्टिन एंड मायोसिन जो है ये जो प्रोटीन दो फिलामेंट्स है कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स है ये लार्ज क्वांटिटी में है ये लार्ज अमाउंट में है। व्हेन इट कम्स टू द रेशियो हाउ मच स्मूथ मसल्स हैव एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स, व्हेन इट कम्स टू द रेशियो तो बात करेंगे रेशियो में 1:6 जो रेशियो है विद 1:6 स्मूथ मसल्स में 1:6 ये दो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट्स होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। कंपैरेटिवली व्हेन इट कम्स टू द स्केलेटल मसल
तो इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में 1:2 ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो है ये 1:2 स्केलेटल मसल में होते हैं, और स्मूथ मसल में ये क्या होते हैं 1:6। मीन्स के स्मूथ मसल्स में सरकोमेयर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि इसमें 2 कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स नहीं है, लेकिन ये गलत बात गलत है। द फैक्ट इज दैट कि इसमें सर को इसमें स्मूथ मसल्स में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स एक्टिन एंड द मायोसिन ये लार्ज क्वांटिटी में है, ये लार्ज अमाउंट में है। व्हेन इट कम्स टू द रेशियो विद द रेशियो 1:6 इज इन द स्मूथ मसल्स एंड एज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल इट इज विद रेशियो 1:2। मीन्स कि इसमें स्मूथ मसल्स में ये एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स जो है ये लार्ज क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। फर्क इतना ही है, दे डू नॉट अरेंज इन सर्कुमियर। ये क्यों अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट सर्कुमियर में क्यों नहीं है, ड्यू टू ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ द सिट्रेशन इज ये अनस्ट्रिप्ड है, बिकॉज ड्यू टू दैट कि ये अनस्ट्रिप्ड है, जो इसमें सिट्रेशन नहीं है। जो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने कहा है कि दिस मसल स्मूथ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड, दे आर अनस्ट्रिप्ड, ये न इसमें सिट्रेशन नहीं है, दे लुक स्मूथ, इसमें स्ट्रिप्स नहीं है, इसमें सिट्रेशन नहीं है, तो ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ द सिट्रेशन तो इट इज नॉट अरेंज्ड इन अ सर्कोमियर। तो व्हेन इट कम्स टू द माइक्रोस्कोप, ऑन अकाउंट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जब हम स्मूथ मसल्स को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इसको लेते हैं, व्हेन इट कम्स टू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो व्हाट हैपन्स देयर, दिस स्मूथ मसल इट अपीयर्स होमोजीनियस, ये होमोजीनियस दिखने लगता है वहां पे, ये सिमिलर है, ये वहां पे सिमिलर है। व्हाई इट इज होमोजीनियस, व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो इट अपीयर्स होमोजीनियस बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सिट्रेशंस, बिकॉज सिट्रेशंस आर नॉट प्रेजेंट, दैट इज व्हाई वी कैन कम टू नो दैट द स्मूथ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल, तो दिस इज द फैक्ट। एंड अगर हम बात करेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है, जब हमने जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में, हमारे मेरे लेक्चर्स में जाइएगा आप लोग, वहाँ पे देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट, मैंने वहाँ पे सब कुछ नोट करवाया है आपसे, मैंने सब कुछ बोला है। तो वहाँ पे जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जब मैंने पढ़ाया आपको, तो उसमें मैंने कहा कि जो कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क है, कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग है, ये मसल्स ने कनेक्टिव टिश्यू मसल्स जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से कवर किया हुआ है। तो कनेक्टिव टिश्यू का ये रोल रहता है, इट इज ये अटैचमेंट करता है इन केस ऑफ द स्केलेटल मसल, बोन मसल्स को बोन के साथ अटैचमेंट करता है, ये उसका वहाँ पे यही रोल रहता है। लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू इसमें वहाँ पे कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू थे, वहाँ पे पैरामाइशियम, इनके आई एम सेइंग इनके हिसाब से स्केलेटल मसल, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों से कहा है। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है स्मूथ मसल की, स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल, यहाँ पे वहाँ पे हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में जो कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग थी, पैरामाइशियम इंडोमाइशियम, ऑल दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, जिसको इनके सब स्केलेटल मसल, जिसको डिफरेंट वे में स्मूथ मसल को स्केलेटल मसल को कवर करके रखा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द स्मूथ मसल, व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर, स्पेशली द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल, वी कैन कम टू नो दैट द स्मूथ मसल डू नॉट हैव पैरामाइशियम एंड इंडोमाइशियम, इंडोमाइशियम एंड पैरामाइशियम जो ये दो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये इस स्मूथ मसल्स में नहीं है। लेकिन इट ओनली कंटेनस, इट हैज ओनली इंडोमाइशियम, इसमें एक ही कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू की फ्रेमवर्क है, दैट कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द इंडोमाइशियम। व्हेन इट कम्स टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे मैं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट जोक बताऊं। व्हेन आई वाज इन द पीजी, जब मैं पीजी कर रहा था फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो मेरे बगल वाले रूम में एक मेरा एक कलीग रहता था, ही इज फ्रॉम द कारगिल, ही इज फ्रॉम लद्दाख, तो उसको वो इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, हमारा एग्जाम आने वाला था, तो वो मेरा रूम नाक करके करा, तो फिर मैंने देखा उसको बोला क्या है, उसने बोला इश्फाक आप बट, उसको ये नहीं आता था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, बोलना नहीं आता था। फिर उसने क्या कहा, इश्फाक आपने स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ी है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, सिटल मुझे वो चीजें याद है, तो लेट इट बी,
तो हम यहाँ बात कर रहे थे स्मूथ मसल की, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मॉडल जो है इट मे आल्सो अप्लाई इन केस ऑफ द स्मूथ मसल, जिस तरीके की स्केलेटल मसल पे ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मॉडल जो है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है ये अप्लाई होता है स्केलेटल मसल पे, तो इन द सेम वे स्मूथ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कैन आल्सो अप्लाई इन केस ऑफ द स्मूथ मसल। लेकिन द डिफरेंस इज, देयर इज द वन बिग डिफरेंस, एक बहुत बड़ी डिफरेंस है जिस चीज को हमने क्लियर करके रखना है, अदरवाइज हम ये कहेंगे उसमें भी अप्लाई हो रहा है, इस पे भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन देयर इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, वो कौन सी डिफरेंस है, वो यही है कि जब हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे, जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में जो होता है वहां पे इनके सब स्केलेटल मसल, वहां पे सेल्स में सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही होता है, ये एक नेटवर्किंग सिस्टम है विच कंटेन्स द कैल्शियम, दिस कैल्शियम हेल्प्स इन इनिशिएटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स में ये कैल्शियम जो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल्स में, ये यहाँ पे नहीं होता है। देयर इज नो सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन केस ऑफ द स्मूथ मसल्स, स्पेशली इन द सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो यही फर्क है यहाँ पे, लेकिन कैल्शियम का रोल रहता है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम आयन्स जो है, कैल्शियम आयन्स का रोल जो है वो डिफरेंट रहता है फ्रॉम दैट ऑफ द स्केलेटल मसल्स। तो इट वॉज द स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बात हो रही है होगी कि कंट्रेक्शन, ये अब कैसे कंट्रेक्शन होता है, कैल्शियम का क्या रोल रहता है, कैसे डिफरेंट रहता है, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर है नहीं सेल्स में स्मूथ मसल्स में तो कंट्रेक्शन कैसे होती है, इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, कंट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, फिजियोलॉजिकल कंट्रेक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, वो हमारा अगला लेक्चर होगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मूथ मसल।